उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने औली पहुंचकर औली मास्टर प्लान को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि औली को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए मास्टर प्लान लगभग अंतिम चरणों में है। साथ ही कहा कि मास्टर प्लान पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से चर्चा की गई। वहीं उन्होंने कहा कि यहां जमीन को लेकर कुछ समस्याएं हैं, जिनका ITVP आर्मी और पर्यटन विभाग के साथ समाधान ढूंढने की बात हुई, जिससे प्रोजेक्ट का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। साथ ही उन्होंने औली का स्थलीय और हवाई निरीक्षण किया। ये इसको एक वर्ल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करने का प्लान है और मास्टर प्लान बन गया है, जो काफ़ी अंतिम चरण में है। तो उसकी प्रेजेंटेशन की और सर्वे भी किया सारे एरिया का, ऊपर से नीचे कि क्या क्या कैसे कैसे बनना है। और जैसे कुछ इश्यूज यहाँ लैंड के भी हैं, ITVP, आर्मी और टूरिज्म में, उसका भी समाधान ढूंढने की बात हुई, और ताकि ये टूरिज्म का प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके। सर बद्री, वहीं यात्रा को लेकर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे हमारे स्थानीय व्यापारियों को अच्छी आय प्राप्त होगी। क्या क्या यहाँ हो रहा है, यहाँ से 3 ट्रैक भी निकल रहे हैं और पर्यटन की योजना में पहले ही आपको बताया गया है, पर्यटन गाइड द्वारा इसको लिया गया है। सड़क की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, उसका हम शीघ्र ही समाधान करेंगे, और बाकी भी जितनी आपने समस्याएँ बताई हैं DM साहब ने नोट कर ली हैं। हम देहरादून जाकर भी संबंधित अधिकारियों से मीटिंग करेंगे और इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे। इस दौरान जिला अधिकारी हिमांशु खुराना, SDM कुमकुम जोशी सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब केसरी TV के लिए जोशीमठ से पूरन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।